बीच भोपाल से बड़ी जानकारी, आयुष्मान भारत योजना में कई बदलाव किए गए। ऑपरेशन की हर जानकारी अपलोड करना जरूरी होगा। मरीज की हर दिन की केस शीट, लैब रिपोर्ट अब अपलोड की जाएगी। ऑपरेशन की हर जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। भर्ती मरीज के लिए पैकेज चार्ज अधिकतम 5,400 रुपए किया गया और पहले भर्ती कर 8,500 रुपए और इस दिन तक वसूलते थे। वहीं भर्ती होने के समय भी बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाना अनिवार्य होगा। अस्पताल में भर्ती मरीज का फोटो, बिस्तर और मॉनिटर के साथ रोजाना पोर्टल पर सभी डिटेल्स अपलोड करना होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किस डॉक्टर ने इलाज किया है और उसके साइन और सील जरूरी होंगे। 120 निजी अस्पतालों में 200 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब सरकार और प्रशासन सख्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का घोटाला किया गया था, घोटाले की बात सामने आई थी, इसके बाद ये सख्त निर्णय लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब आयुष्मान योजना में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में अब कई बदलाव कर दिए गए। अब हर एक डिटेल अपलोड करना होगा। ऑपरेशन की हर जानकारी अब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मरीज की हर दिन की केस शीट, लैब रिपोर्ट अब अपलोड की जाएगी। भर्ती मरीज के लिए पैकेज चार्ज अधिकतम 5,400 रुपए कर दिया गया है। पहले मरीजों से करीब 8,500 रुपए हर दिन वसूला जाता था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। 5,000 के करीब इस चार्ज को कर दिया गया। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या जानकारी, क्या क्या वो बदलाव है जो फिलहाल आयुष्मान योजना में क्या क्या है? देखिए, आयुष्मान योजना भारत की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो लगातार घोटाले सामने आ रहे थे, 120 अस्पतालों में 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, तो अब इस घोटाले के बाद जो है सरकार जागी है और कई बड़े बदलाव जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किए गए हैं। अगर इस योजना की हम बात करते हैं तो पोर्टल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहले ये राशि 8,400 रुपए प्रतिदिन मरीजों को दी जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, 5,400 रुपए प्रतिदिन ये राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पोर्टल में प्रतिदिन जो है, जो मरीज है उसकी फोटो अपलोड करनी होगी कि उसको क्या बीमारी है, किस वजह से वो एडमिट हुआ है, कितने बजे एडमिट हुआ है, कौन सी डेट है, इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही कौन सी शिफ्ट में कौन सा डॉक्टर अस्पताल में इलाज कर रहा है, इसकी जानकारी भी पोर्टल में देनी होगी। और बिना डॉक्टर के सील साइन के कोई भी दवाई नहीं दी जाएगी। तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं, उस सुविधाओं के अनुसार अब जो नियम प्रक्रिया है उसी के तहत यहां पर जो अस्पताल के संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको चलना होगा, तभी जो है आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है हितग्राही और जो मरीज होंगे उनको मिल सकेगा। क्योंकि लगातार जो है आयुष्मान के अंतर्गत घोटाले सामने आ रहे थे, फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती करते थे और एक बड़ी राशि जो है इसमें करोड़ों की राशि ली जाती थी सरकार से, लेकिन अब कई बड़े बदलाव इस पे कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पोर्टल की अगर बात की जाए तो मरीज की यहाँ पर फोटो और बीमारी की भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही भर्ती होने के समय ही जो है बायोमेट्रिक मशीन से जो भी मरीज होगा उसका अंगूठे का निशान लगेगा, अगर अंगूठे का निशान मैच नहीं होता है तो राशि जो है यहाँ पर जो मरीज के अकाउंट है या फिर अस्पताल जो संचालक के अकाउंट है उस पे नहीं डाली जाएगी। पैकेज की राशि जरूर यहाँ पर जो है अधिकतम अब 5,400 रुपए कर दी गई है और इसके पहले जो है प्रतिदिन 8,500 रुपए दी जाती थी। तो कई बड़े बदलाव जो है इस घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बदलाव के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या जो बड़े बड़े घोटाले प्राइवेट अस्पतालों की तरफ महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये सख्ती के बाद ये जो घोटाले के मामले सामने आ रहे उसमें कोई कमी आएगी कि नहीं। फिलहाल कुलभूषण बने रहे हमारे साथ तमाम